तो पहला तो पीआर क्या होता है, परचेज इक्विजिशन, इसको पीआर बोलते हैं शॉर्टकट में, परचेज इक्विजिशन। ये एक लिमिटेड टेंडर जैसा भी है, ये प्रोक्योरमेंट में जैसे लिमिटेड टेंडर होता है ऐसा ही, पर पूरा एग्जैक्ट ऐसा नहीं। इसकी लिमिट 5 लाख होती है, 5 लाख का टेंडर आप पीआर के थ्रू से निकाल सकते हो। जनरली इसकी प्रोडक्ट में ज्यादातर टेंडर नहीं निकलता क्योंकि L1 से हम ऑर्डर कर देते हैं, पर सर्विसेज में इसकी टेंडर आता है, क्योंकि सर्विसेज में हम जब कैटलॉग बनाते हैं तो प्राइस ऑन डिमांड बोल के एक ऑप्शन से वहां पे क्लिक करते हैं। जो कैटलॉग का हम प्राइस ऑन डिमांड करते हैं उसका रेट बायर को पता नहीं चलता, ऐसे कंडीशन में वो पीआर जनरेट कर सकता है। तो पीआर जब जनरेट कर सकता है वो कोई भी कैटलॉग उसको चाहिए, मतलब कोई भी सर्विसेज उसको चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उसको मार्केट में सर्च करता है। सर्च करने के बाद वो अपने अकॉर्डिंगली मिनिमम 3 सेलर को रिक्वेस्ट भेज सकता है, मिनिमम 3 सेलर को रिक्वेस्ट भेज सकता है। जिस सेलर को रिक्वेस्ट भेजेगा वही लोग सिर्फ रेट कोट करेगा, जिनको यहाँ पे कौन को रेट कोट करेगा, जो सेलर को रिक्वेस्ट भेजा जाएगा वही सेलर सिर्फ पीआर में रेट कोट कर सकता है, चाहे ये प्रोडक्ट हो चाहे ये सर्विसेस हो। यदि मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजा गया तो मैं पीआर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यदि हम लोग एक नॉर्मल प्रोसेस में बात करते हैं, जेम को निकाल देते हैं, हम नॉर्मल पीआर को समझते पहले, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। जैसे कि मुझे मान लो मेरा एक कंपनी है या फिर मेरा खुद का भी है और मैं ऑर्गेनाइज भगत टेक्नो चलाता हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। मैंने सोचा है मुझे एक एचपी का लैपटॉप चाहिए, अभी एचपी का लैपटॉप चाहिए, तो मैं क्या किया, मेरे 3 वेंडर है, मेरे पास 3 वेंडर है, प्रशांत सर देते हैं, आशीष सर है और दत्ता सर है, ऐसे 3 वेंडर मेरे पास है। तो मैंने तीनों वेंडर को मेरे कॉन्फ़िगरेशन भेज दी, अभी तीनों कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली मुझे तीनों लोग कोट कर देंगे। हमको तीनों लोग कोट करते हैं, जब तीनों लोग का मेरे पास रेट आ जाता है तो हम तीनों लोगों में जो सबसे कम रेट में कोट करता है हम उनको टेंडर दे। पर अभी दीपक सर भी मान लो सप्लाई करते हैं लैपटॉप का, डील करते हैं, पर मैंने दीपक सर को बताया नहीं कि मुझे लैपटॉप चाहिए, वो भी मेरे हैं, वो भी मेरे सप्लायर है, पर मैंने दीपक सर को नहीं बताया, तो दीपक सर को कभी वो मेरे इस कोटेशन में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। सेम यहां पर है पीआर, पीआर में बायर अपने अकॉर्डिंगली उनको पूरे लिस्ट सब दिख जाता है जो कितने लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जिसको इनवाइट करेगा वही लोग पीआर में अपना प्राइस डाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कोई आपको कैटलॉग बनाना नहीं पड़ता, आपका ऑलरेडी कैटलॉग बना हुआ रहता है, उससे ही उठाता है रेट, सिर्फ आपको यहाँ पे रेट कोट करना है। तो कैसे करना है देखो, पीआर मेरे पास कोई पीआर है तो मैं दिखाता हूँ। पीआर मतलब पहले क्लियर हो गया, यदि किसी को पीआर के रिगार्डिंग कुछ समझ में नहीं आया तो पहले वो पूछ लो, तो मैं आगे का बताता हूँ। परचेज एक्विजिशन मतलब समझ में नहीं आया, हाँ किरण सर। सर पीआर सर बोथ फॉर सर्विस एंड प्रोडक्शन, हाँ बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस, पर बिलो 5 लाख याद रखो, बिलो 5 लाख, बिलो कुछ भी हो सकता है, एनी कुछ भी हो सकता है, यस माने सर। ये बायर को कैसे समझेगा कि ये सेलर मेरे पास जो है वो ये कर सकता है, सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकता है या प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है? वो बना सकता है ना, उसके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है, जो वो जैसे वो यहाँ पे पीआर बनाना चाहेगा वहाँ पे सब लोगों का लिस्ट आ जाएगा, वो जिसको चूज करेगा उनको उनको उनके प्रोफाइल पे उनको रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो उस लिस्ट में हम आने के लिए हमने क्या, आपका नाम, आपका रेट, आपका नाम वहाँ पे दिखेगा, वो वहाँ से टिक मार्क कर देगा उसको। नहीं, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए कहाँ पे दिखेगा सर? वो जब मैं बायर के पार्ट में पढ़ाऊंगा तभी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बायर, आप क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं अभी? बायर से पूछ रहे हैं, सेलर के पार्ट में तो नहीं रहे। मैं कैसे विजिबल हो पाऊंगा ऐसे मुझे जानना है सर। वो ही बोल रहा हूँ, वो बायर के पार्ट में दिखेगा, तो मैं जब बायर का पार्ट में लूंगा क्लासेस तब मैं आपको दिखाऊंगा जो कैसे डिस्प्ले होता है ना। जैसे वो बायर अगर हम लोगों को चूज करेगा तो हमारे पास
उस कैटेगरी में हम लोगों का कैटलॉग अपडेट होना चाहिए ना, तभी हमें सर, जब तक कैटलॉग अपडेट नहीं होगा तब तक बायर को दिखेगा ही नहीं आपका नाम। राइट सर, बोथ फॉर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। यस राइट राइट राइट। थैंक यू नितिन सर। सर ये हाँ। इसमें जो तीन लोगों को सेलेक्ट करेंगे, सपोज मान लो 10 सप्लायर है और ही वांट टू सेलेक्ट 3, तो जरूरी है क्या वो लोएस्ट 3 को ही सेलेक्ट करें? नहीं नहीं, वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकते, किसी को भी तीन को सेलेक्ट करना है। यस नहीं मतलब ऑन हिज बिहाफ, ऐसे तो नहीं ना कि उनको लोएस्ट को ही तीन सेलेक्ट करना है। एक जो सबसे लोएस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता ही है। ओके उसके बाद वो दो किसी को भी चूज कर सकते। ओके ओके सर। यस ठीक है। यस तो यहाँ पे प्रोडक्ट में मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में मुझे कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है। सर्विसेज में देखते हैं, यदि रिक्वेस्ट आया है तो मैं उसको भर के बताता हूँ। ये मेरे पास आया है, देखो एनुअल मेंटेनेंस सर्वे फोटोकॉपियर मशीन का है। तो यहाँ पे पीआर पे दिखता है, ये मेरा पीआर नंबर है 22002, इसमें मैं आ रहा हूँ नॉट पार्टिसिपेटेड। तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है पीआर में, तो कैसे करूंगा? ऑफर प्राइसेस जनरली देखो, ये भी एक सेटिंग 5 लाख के नीचे बहुत अच्छा है। यदि आप L1 नहीं आ रहे हो तो पीआर जनरेट करवा दो। क्या होता है, मैक्सिमम लोग पीआर पता ही नहीं है। आज तक मैंने जितने लोगों को ट्रेनिंग दिया है अभी तक में, मैंने अभी तक बोला मैं आप लोगों को 6000 से ज्यादा शायद ट्रेनिंग दे दिया, आज तक किसी ने भी मुझे बोला नहीं कि मैंने पीआर खोल के देखा था। सेम क्वेरी आज भी मैं इतने लोगों में, आज यहाँ पे 25 लोग है, 25 लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे पीआर किसी ने खोल के देखा है कभी? नो सर, किसी ने नहीं देखा। तो अभी बताओ, यदि आपका प्रोडक्ट, किसी का प्रोडक्ट L1 था भी और उसको भी रिक्वेस्ट भेजा है मैंने, तो उसने भरा ही नहीं अपना। अभी उसने रेट कोट नहीं किया तो मैं रेट कोट करूंगा, मेरा रेट ज्यादा है तो मैं अपना रेट ज्यादा रेट में ही फिर से मैं कोट कर दूंगा यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट किसको मिलेगा बीड? रेट कम वाले को नहीं मिलके मुझे ज्यादा वाले को मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये भी एक अच्छा है, यदि आपका रेट ज्यादा है तो आप L1 की जगह पे PR जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ मुझे रेट कोट करना है, कितना रेट करना है AGMC चार्जेस फोटोकॉपियर के लिए, कितना करना है 13 चाहिए उसको, 13 फोटोकॉपियर का चाहिए। लास्ट कब है? 17 तारीख तक हम अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक। तो मैं 40,000 का कोट कर देता हूँ, 40,000। ओके ठीक करते हैं। सो एस्टिमेटेड, एस्टिमेट कितना हो गया, 13 के हिसाब से 5,20,000 का, 40,000 × 13 तो 5,20,000 का हो गया। 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे बता दे रहा है ना, तो मुझे इसका इससे करना पड़ेगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35,000। तो एस्टिमेट हो गया, मैं 5 लाख के करीब करीब लेके जाके छोड़ सकता हूँ। ओके हो गया, गेट OTP, OTP डाल देंगे तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर पाऊंगा। भले मेरा रेट कितना भी ज्यादा कम ज्यादा था और कुछ भी था, यदि किसी ने टेंडर नहीं भरा तो मुझे एक और टेंडर मिल सकता है। तो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे, मैं पार्टिसिपेट हो गया पार्टिसिपेटेड। मुझे कहाँ दिखेगा ये फिर से? पीआर में पार्टिसिपेटेड परचेज इक्विटी से, जो मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूं तो मुझे यहाँ पे दिखता है स्टेटस पार्टिसिपेटेड व्यू डिटेल्स, इसमें मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूं। अभी मुझे यहाँ पे कोई रेट वगैरह कोई चेंजेस करने को ऑप्शंस नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पार्टिसिपेट में जाएंगे, जो भी मैंने पार्टिसिपेट किया है वो मुझे यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। तो मैंने अभी तक टोटल कितने पार्टिसिपेट किए हैं, इतने सारे पार्टिसिपेटेड कर लिए। व्यू डिटेल्स यहाँ पे यदि मुझे मिला तो ही मुझे दिखता है, यदि मुझे टेंडर नहीं मिला तो मुझे बाकी का रेट वगैरह भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं डिटेल्स आता था। सॉरी लास्ट, ये देखो इसका 6 इन डेट 8 को था, खत्म हो चुका है। अभी इसका व्यू डिटेल्स देखेंगे तो भी मुझे पता नहीं चलता, मुझे मिला तो ही इसका डिटेल्स मुझे रेट वगैरह पता चलता है। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा है कि किसको मिला क्या रेट में मिला ये पता नहीं चलता पीआर। ओके तो ये आपके लिए पीआर का एक ऑप्शन है। सेकंड
सिंपल, याद रखो ये बिलो 5 लाख।